नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक फिर से स्टोरी लाए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। फ्रेंड, स्टोरी का नाम है द पिजन एंड द हंटर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आशा करते हैं आपको अच्छी लगेगी। तो स्टोरी के माध्यम से आप जो है नए नए वर्ड सीखेंगे। स्टोरी का नाम है द हंटर एंड द पिजन्स। हंटर मीन्स होता है शिकारी एंड पिजन्स मीन्स होता है कबूतर। तो शिकारी और कबूतर के बारे में कहानी है, तो इसको पढ़ते हैं। वन डे अ हंटर सेट्स अ नेट। सेट्स अ नेट का मतलब होता है जाल बिछाना। तो वन डे मतलब एक दिन, अ हंटर मीन्स एक शिकारी, सेट्स अ नेट मतलब जाल बिछाया, टू कैच मीन्स पकड़ने के लिए, बर्ड्स मतलब पक्षियों को, एंड प्लेस्ड ग्रेन्स, प्लेस्ड का मतलब डालना, ग्रेन्स मीन्स अनाज, और अनाज को डाल दिया, एंड राइस और चावल, ओवर द नेट, नेट के ऊपर, ओवर मीन्स ऊपर। तो एक दिन एक शिकारी ने जाल बिछाया पक्षियों को पकड़ने के लिए, और वहाँ पर कुछ अनाज के दाने और चावल के दाने नेट पर, जाल पर डाल दिए। आफ्टर सम टाइम्स अ फ्लॉक ऑफ पिजन केम्स बाई एंड स्टार्ट ईटिंग ग्रेन्स एंड गेट कॉट इन द नेट। आफ्टर सम टाइम्स का मतलब कुछ समय बाद, अ फ्लॉक ऑफ पिजन मतलब एक कबूतरों का झुंड, कम्स मिस आता है, बाई एंड स्टार्ट और शुरू कर देता है, ईटिंग मिस खाना, ग्रेन्स मिस अनाज के दानों को, एंड गेट कॉट और फंस जाते हैं, गेट कॉट मतलब फंस जाना, और फंस जाते हैं इन द नेट, नेट मिस जाल, और जाल में फंस जाते हैं। आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद, अ फ्लॉक ऑफ पिजन एक कबूतरों का झुंड कम्स आता है, बाई एंड स्टार्ट ईटिंग ग्रेन्स और अनाज के दाने को खाना शुरू कर देते हैं, एंड गेट कॉट इन द नेट और जाल में फंस जाते हैं। आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद, दे स्टार्टेड लूजिंग होप। आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय बाद, दे स्टार्टेड वो एक शुरू कर देते हैं, लॉजिंग मिस खोना, होप मिस आशा को, कुछ समय बाद वो आशा को खोना शुरू कर देते हैं। देन तब, देयर लीडर उनका जो लीडर होता है, लीडर मीन्स नेता, उनका जो नेता होता है, आस्क मिस कहता है, दे मिस उनसे, टू फ्लाई मतलब उड़ने के लिए, टुगेदर मिस एक साथ, टुगेदर अप इन द स्काई आकाश में ऊपर। आफ्टर सम टाइम दे स्टार्टेड लूजिंग होप कुछ समय बाद वे आशा को खो देते हैं। देन देयर लीडर आस्क तब उनका जो नेता होता है वो कहता है, दे मिस उनसे, टू फ्लाई मिस उड़ने के लिए, टुगेदर मिस एक साथ, अप मिस ऊपर, इन द स्काई मिस आसमान में, आसमान में ऊपर उड़ने के लिए तब जो है उनका नेता कहता है। दे डिड उन्होंने किया, एज दे वर टोल्ड जैसा कि उनसे कहा गया था, यानी उनके नेता ने जो कहा वैसा ही उन्होंने किया। एंड कैरी द नेट अवे और जाल को उड़ा के दूर ले गए। आगे है, अ हंटर रन्स आफ्टर देम। रन आफ्टर का मतलब होता है पीछे पीछे दौड़ना। द हंटर रन्स आफ्टर देम और जो शिकारी होता है उनके पीछे पीछे दौड़ता है। बट दे फ्लू अवे लेकिन वे दूर उड़ जाते हैं, टू देयर फ्रेंड्स माउस होल, टू देयर फ्रेंड्स माउस होल मतलब उनका जो चूहा होता है, उनका दोस्त होता है, उसके पास जो है वो उड़ करके चले जाते हैं। देयर फ्रेंड मतलब उनके दोस्त माउस के पास चले जाते हैं। देन माउस कट्स तब माउस जो है काट देता है, द नेट मिस जाल को, एंड फ्रीड द पिजन्स और जो कबूतर होते हैं फ्रीड हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। जो हंटर होता है वो शिकारी होता है उनके पीछे पीछे जाता है, लेकिन वे उड़ करके दूर चले जाते हैं और अपने दोस्त के पास, चूहे दोस्त के पास चले जाते हैं। देन माउस कट्स तब चूहा काट देता है, द नेट मिस जाल को, एंड फ्रीड द पिजन्स और उन कबूतरों को स्वतंत्र कर देता है। अब इस स्टोरी का मोरल क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी जो है वो है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी मीन्स एकता इज है, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। तो एकता में ताकत होती है या एकता ताकत है। तो जब भी आप जो है मिल करके कोई काम करते हैं तो आसानी से आप कर सकते हैं।
और अकेले जो है आप कुछ नहीं कर सकते। तो फ्रेंड जो है यूनिटी बना के रखें और जो है यूनिटी से काम करें। तो फ्रेंड आशा करते हैं आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।